बातें कर रहा था कितना पढ़े हुए हो, काम क्या करते हो। तो मैं कहा तू तू इस तरह पूछ रहा है जैसे तू अपना दामाद बना रहा है इसको। तो कह रहा क्या हो गया, मेरा बेटा नहीं है। मैं कहा तेरा हो गया, जा। सब्जी लेने भी खुद जाता हूँ, गोश्त लेने भी चला जाता हूँ, सारी चीज़ें खुद ही करता हूँ। यार आप लोग के ड्रामे देखते थे यार, बड़ा मज़ा आता था। अब वो ड्रामे आर्टिस्ट ही नहीं रहे तो वो ड्रामे भी नहीं रहे। वो मेरा लगाना, वो आप लगाएंगे रेप पे, मैं वीडियो पे, आप इसी जगह लगाना, ये देखें आप। सिद्दीकी साहब के साथ अब वो आपका वो है कि आप समझी है, तो इसकी वजह दोस्ती है या कोई रिश्तेदारी है? भाई मैं तो ये समझूंगा कि देखें आपको एक बात बताओ, मैं मेहमान हूँ, शकील बिहारी है, उर्दू स्पीक, दोस्ती हमारी 40 साल 42 साल की, रिश्ते आसमानों पे लिखे जाते हैं, तो वही तय होते हैं। मुझे इसका एक दिन फोन आया, मुझे कह रहा है यार वो क्या कर रहा है, मैं कहा घर पे हूँ। बोला आ जा यार मेरे यहाँ खाना खा लेंगे। तो मैंने कहा मैं अकेला तो नहीं आऊँगा, मेरी फैमिली होगी, मेरा सब आ जाओ ना। चले गए, मेरे तीनों बेटे भी थे, अब्दुल्ला की शादी हो चुकी थी, दो बात बेटे मेरे माशाल्लाह, मेरे बेटे तो खूबसूरत तो होंगे इसमें कोई शक। तो वो असद जो है वो बैठा हुआ था, तो उससे बातें कर रहा था ये शकील, कितना पढ़ा हुआ बेटे, क्या कर रहे हो ये। उसकी बेटी भी बड़ी थी माशाल्लाह, वो मुझे अंकल कहती थी, आना जाना तो था जाहिर है घरों में। तो उसे बातें कर रहा था कितना पढ़े हुए हो, काम क्या करते हो। तो मैं कहा तू तू इस तरह पूछ रहा है जैसे तू अपना दामाद बना रहा है इसको। तो कह रहा क्या हो गया, मेरा बेटा नहीं है। मैं कहा तेरा हो गया, जा मंगा मिठाई। ऐसे ही रिश्ता ऐसे हुआ, मैंने मंगा मिठाई, ये मैंने उसके फैसल कुरैशी के शो में भी बोला। अच्छा, इसने मिठाई तो हम दोनों ने मंगा ली, हमने इसने अपनी बीवी को बुलाया, मैंने अपनी बीवी को बुलाया। हमने कहा कि यार हम बीवियों से तो पूछे, उन्होंने कहा भाई आप लोग बाप हो, आप लोग फैसला करो। ये बीवियों ने बात एक अच्छी की, इससे पहले आप इन दोनों से पूछो, लड़के और लड़की से। हमने कहा भाई आपस में पूछ लो, इनको कमरे में भेज दो, मेरे बेटे के साथ इसकी माँ चली जाएगी, उसकी बेटी के साथ इसकी माँ चली जाएगी या बहन चली जाए, आप एक दूसरे से बात कर लो। इन्होंने बात की, आप एक दूसरे को समझ में आ गया, ओके जी रिश्ता हो गया, इस तरह हो गया। अच्छा, मैंने वो चूंकि प्रोग्राम देखा नहीं है तो ये फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ। दो दफा गए यार, वो वाकई ये आसमान पे, ये आसमान पे होती है। फतह का एक अपना एक नशा भी होता है, ठीक है, और एक वो जब बंदा विन करता है तो वो क्या उस वक्त कोई नशे की हालत आपको भी फील हुई या क्या उस वक्त? देखे आपकी, अब ये वही वाली बात आ गई कि शोहरत इज्जत पैसा आया आदमी को तो नशा चढ़ गया, वो नशा नहीं, इसका एक मजा होता है। मुझे इतना पता ही, ये कोई चीज सदा नहीं रहेगी, फानी है शोहरत। मैंने दो दफा मैंने बताया ना बकरा किस्तों पे, फिर ये ग्रेट इंडियन लाफ्टर चली, इसका नशा नहीं होता। मुझे अगर नशा होता तो फिर तो मैं फिर आया होता, मैं तो आज भी मलंग आदमी हूँ। सब्जी लेने भी खुद जाता हूँ, गोश्त लेने भी चला जाता हूँ, सारी चीज़ें खुद ही करता हूँ, मुझे कोई नहीं है। गाड़ी मेरी खड़ी होती है, मैं इतना हल्का सी आदमी हूँ कि यार गाड़ी निकालूँ फिर जाऊँ, मैं रिक्शा करा के जामा मस्जिद चला जाता हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, गुरु मंदिर 50 साल से वहीं पढ़ रहा हूँ। तो मुझे कभी मुझ में ये चीज़ें आई नहीं, या मेरी कोई माँ की तरबियत बाप की तरबियत थी, मेरे अंदर कभी इस टाइप की कोई गरूर तकबूर आया नहीं कभी। जैसे कि मौला अली करमुल्लाह वजह का ये फरमान है कि ताकत शोहरत दौलत ये और ये इंसान को बदलती नहीं, बेनकाब कर देती है, उसका असल बाहर निकालता है, उसका असल बाहर आ जाता है। तो मैंने शरारतन ये लफ्ज नशे का इस्तेमाल किया था कि नशा सिर्फ शराब का ही नहीं होता, इन चीज़ों का भी नशा होता है। रुश्वत उस नशे में भूल जाता है आदमी उस बात को, ज्यादा खाना भी नशा है। आप ज्यादा खाना खा लोगे, काम पे नहीं जाओगे, नींद आ रही है, लेट गए, फायदा अल्लाह नशा दे सब नसीब करे। तो पूरा पाकिस्तान में अब इस नशे में तो बड़े बड़े लोग पड़े, पूरा पाकिस्तान तभी इनको समझ नहीं आ रही, ये नशे में धुत है, खाने के नशे में खाली खजाने पे वजीर बैठे हुए हैं। अच्छा लाला जान ने एक बात यहाँ पे मैं जरूर पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसे मैंने ये अक्सर देखा है, जो कि एक जिंदगी गुजरी है इस फील्ड में, दो तरह के फनकार मैंने देखे हैं। एक तो आप जैसे
दरवेश सिफ्त फनकार में उन्हें कहता हूँ, जो मस्त होते हैं, जो रिक्शा में बैठते हैं, सब्जी अपने लेके आते हैं, दही भी लेने चले जाते हैं, और वो कभी फील नहीं करते कि मैं एक्टर हूँ, लोग मुझे तरफ देख रहे हैं, मुझे जानते हैं। वो एक रवैया, इसमें बहुत सारी एक लिस्ट है पूरी ऐसे फनकारों के, बड़े बड़े नाम वाले फनकार, बहुत बहुत बड़े। और उसके बरक्स कुछ ऐसे फनकार हैं जो वो भी बहुत अच्छे हैं और बड़े नाम वाले भी हैं, और उनमें ये सिलसिला वो जैसे जैसे उनको शोहरत मिलती है उस हिसाब से उसको ना मैनेज करते हुए एक अपना एक एटीट्यूड, एक सिलसिला, एक वो बना लेते हैं। अच्छा, दोनों में जो मैं फ़र्क मैंने देखा है कि वो वाले जो आर्टिस्ट हैं उनके पास पैसा बहुत होता है, लग्जरी लाइफ गुजारते हैं, और ये वाले फनकार इनमें ऐसे भी हैं जो इनमें से बहुत बड़े बड़े नाम वाले हैं, लेकिन वो बड़ी इसी तरह उनकी ज़िंदगी सादा सी होती है, बहुत ज़्यादा मालो दौलत इकट्ठा नहीं किया होता उन्होंने, वो स्टेटस, वो स्टैंडर्ड जो दुनियावी है, अपने किरदार और कदम में तो बहुत बड़े होते हैं। ये क्या फ़र्क महसूस करते हैं, ये मुझे फील होता है ये वाकई कुछ ऐसा है, ये फनकार कैसा होता है और ये फनकार कैसा होता है? देखो मैं आपको बताऊँ, हमारे पाकिस्तान में कराची के अंदर दो फनकार गुजरे बड़े, एक थे जनाब मोहतरम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मोइन अख्तर साहब, बेशक, ठीक है, उनका एक स्टाइल था, वो ऐसे सादा तबीयत के आदमी थे, इसी तरह थे। उमर भाई ने जो शोहरत कमाई, जो नाम कमाया, उनकी वजह से पाकिस्तान की पहचान बनी कि लोगों का तो ड्रामा देखा पाकिस्तानी, उमर शरीफ था तो वो इस तरह मतलब लोग, लेकिन उमर भाई का रहन सहन का स्टाइल, वो जाहिर है वो जब बहुत बड़ा नाम हो जाता है ना आदमी का, तो उसका रहने का स्टाइल, उसका खाने पीने का, उसका लाइफ का सब चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाती है वक्त के साथ साथ, लेकिन चीज़ कोई रहती नहीं है सदा। मैं आपको बताऊँ, मैं अभी भी आप मुझे कहेंगे मैं कुर्सियाँ खुद ही लगाता हूँ अपने थिएटर की, सारा कुछ मैं ही करता हूँ अपने थिएटर में, आकर सुबह आप मतलब स्टार्ट होने से पहले अगरबत्ती जलाता हूँ, दुआ करता हूँ, फिर थिएटर की ओपनिंग करता हूँ। तो हम लोग तो मलंग लोग हैं, हमें तो इसकी, मुझे शोहरत तो मैंने तो देखा है ना यार, शोहरत कुछ नहीं है, रहेगा नाम सिर्फ मेरे अल्लाह का, जब आखिरत में सारा खत्म हो जाएगा ना, मौत को भी मौत आ जाएगी, सारा फाइनल दैट, फिर वो लम्हा मैं सोचता हूँ मेरे रोकटे खड़े हो जाते हैं, जब वो पुकारेगा मेरा रब कौन है, है कोई अब बताओ, मेरे अलावा है तो बताओ, कोई नहीं हो सिर्फ रब, वही तो मंजर होगा जो देखने का होगा, उस वक्त ही जलाल नजर आएगा हमको, हम तो खैर होंगे क्या क्या हालत में होंगे वो तो परवरदिगार, लेकिन जब मौत को ही मौत आ जानी है तो फिर वो पुकारेगा, आप बताओ, बड़े बड़े चले गए यार, कोई नहीं है, दुनिया है, दुनिया के साथ चलने की बात है तो वो फिर वो बात दूसरी साइड आ जाती है। एक अब वो साइड क्या है, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है ना, हम सीनियर हैं, हम आप सीनियर हो, लोग हमें जानते हैं हमारे ड्रामों की वजह से, यार आप लोग के ड्रामे देखते थे यार बड़ा मजा आता था, ठीक है, उमर शरीफ, मोइन अख्तर, ये सिकंदर सलाम, लियाकत सोल्जर, शहजाद शकील सिद्दीकी, आप लोग के ड्रामे मजा आता था, अब वो ड्रामे आर्टिस्ट ही नहीं रहे तो वो ड्रामे भी नहीं रहे, अब मैं और शकील दो ही आदमी ऐसे हैं, बाकी तो दूसरे हैं सीनियर हमारे दोस्त और भी हैं, कर रहे हैं सब काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो टाइम था ना वो टाइम अब वापिस नहीं आ सकता, तो गया तो गया। अब सोशल मीडिया का टाइम, अभी मैं आपको पिछले हफ्ते का वाकया सुनाऊं कि मैंने हर काम किया, मैंने इंडिया की फिल्म में काम किया, पाकिस्तान की फिल्म में काम किया, टीवी में काम किया, टीवी के लिए लिखा, रेडियो में भी किया, ये हर चीज़, मेरा एक मीडिया रह गया था वो भी किसी दोस्त ने ज़बरदस्ती करवा के पिछले हफ्ते करवा लिया, मॉडलिंग, अब मैं मॉडल लगता हूँ कोई खुदा दा वास्ता, 86 की करोला मेरे से अच्छी होती, मेरे को मॉडल बना के पेश कर दिया, अब मैं अब अपने स्टाइल से चल के आ रहा हूँ, मॉडल आके खड़ा भी हो रहा हूँ और लोग तालियां बजा रहे हैं, मस्त सीटी मार रहे हैं, नाम पुकार रहे हैं, मैं खड़ा होकर हंस रहा हूँ, प्रभु लाला मॉडल बन गया। तो मसला ये कि वो मैं मना कर रहा था उसको ऑर्गेनाइजर को, मैंने कहा यार मेरा काम नहीं है, कह रहा नहीं लाला भाई सब किया आपने, यह करना है आपने, पैसे की आप फिक्र नहीं करो, मैंने कहा पैसे की बात ही नहीं, मुझे ये आता ही नहीं, बोले आपने कुछ नहीं करना, खाली चलना है, खाली वॉक करनी रैंप पे और आना है और जाना है, मैंने कहा एक दफा जाना होगा एक दफा आना होगा, उसने तो चार दफा मुझे भेज दिया, जो जगह खाली नजर आती थी फिर भेज दिया था, तो वो भी तजर्बा कर लिया दुनिया में आया, जो रैंप पे
वो कपड़े किस किस्म के, कोई पैंट कोट या पैंट शर्ट? वो मैं आपको भेजूंगा रात को। अच्छा, वो मुझे तस्वीर, वो मेरा लगाना, वो लगा, वो आप लगाएंगे रैप पे, मैं वीडियो आप इसी जगह लगाना, ये देखें आप रूप लाला को मॉडलिंग करते, आप लगा देना ये, वो चल मैं भेज दूंगा। ठीक हो गया। अच्छा तो अच्छा लाला जान, हंसना नहीं, ये बता दूं? नहीं नहीं, क्यों नहीं, उसमें देख के मैं खुद हंस रहा हूँ कैमरे पे खड़ा नहीं हो सकता, मैं आके खड़ा हुआ ना ये बेल्ट लेके स्टाइल से यूं करके खड़ा हुआ, ये करके वो यूं करके, मैं कि यार ये भी काम अलग है, देखो यार दुनिया में कैसे कैसे काम। अच्छा, इसके लिए आपको बकायदा बताया गया? कुछ भी नहीं, इनकी तो रिलेशनें चल रही थी, वो कैटवॉक की तो रिलेशनें चल रही थी, नहर वॉक है, सीखनी पड़ती। हाँ तो मैं तो मैं को कैटवॉक करूंगा, मैं कोई और जानवर की कर दी थी, मुझे पता ही नहीं, मैं यही करनी है। वो मुझे वो डरता था ना, और गिरा था बेचारा, मेरा दोस्त है वो, जिया, वो कहता था लाला भाई आपको जाने से 5 मिनट पहले बता दूंगा मैं कैसे चलना है, बोले आपको क्या बताने की जरूरत, मैं कहा यार फिर भी पता तो चले मुझे क्या करना है, वो चलते किस तरह है ये वो, क्योंकि कैटवॉक पे तो मैंने बड़े आइटम किए जी, क्योंकि मैंने जब लक्स अवार्ड किया था अपना मलेशिया में, तो वहाँ कैटवॉक मेरे सामने हुई, तो मैंने उस कैटवॉक को पूरा वॉच किया, वॉच करने के बाद मैंने वो अपना आइटम बनाया मैंने उसमें, तो वो मैंने शान का शो आता था एक चैनल पे जियो शान से, उसमें मैंने वो आइटम भी किया था, शान गिर गया था। अच्छा, वो एक मॉडल आई थी फ्रूट व्रूट लगा सारे फ्रूट लगे हुए, मैंने कहा मैंने रेट पूछा है तो वो नाराज हो गई, मैंने कहा मैंने फ्रूट का रेट पूछा था, तो वो उस पे, और एक वो मॉडल आया वो उसने जंजीर पहनी हुई यहाँ ताला लगा हुआ आ गए और वो आके खड़ा हुआ, मैंने कहा अय्यूब खोसो बैठे हुए थे हॉल में, मैं अय्यूब खोसो साहब मैं इस मॉडल की जिसने ताला लगाया इसकी चाबी मैंने आपके जेब में दे दी रख दी है, आप जो है ना सुबह 6 बजे ये बंदा आपका दरवाजा खटखटाएगा, आप इसको फिर बाद में खुद खटखटाना फिर चाबी देना, तो बड़ा मजा आया था, हर काम आपको हर चीज हर काम सीखने को मिल गया बिल्कुल हर चीज सीखने को मिल गया। आए हैं तो पब्लिक की क्या हालत थी उस वक्त खड़ा हुआ फिर आके वो नारे में भी लग रहे हैं, वीडियो में भी है वो, मैं उनको यस यस करके लोग ऐसे रहे, बाहर मुझे मैं अखबार वाले कह रहे यार आप मॉडलिंग कर रहे हो, एक मॉडल एक दूसरी ऑफर आ गई मुझे। अच्छा, मॉडलिंग की? मैं कहा भाई अल्लाह का बस मेरा ये काम नहीं, मैं नहीं मैंने वो सेशन किया है, फोटो सेशन मॉडलिंग का किया है लड़कियों के साथ, 7 लड़कियों के साथ इंग्लिश एक रिसाला आता था उसका शी का। अच्छा, बीच में जेम्स बॉन्ड बन के 7 लड़के का खड़ा हुआ हूँ, बड़ा वेल सेट ड्रेस पहन के, लेकिन ये काम एक अलग तजर्बा था जो जिंदगी में रह गया था वो भी करके देख लिया।